three, four. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसआर के देसी ब्लॉग। और मैं हूं शहनाज। आज मैं आपको एक जगह घुमाने लेके चल रही हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो आप देखेंगे कि एक शहर की लड़की जब गांव में आती है तो किस तरह से रिएक्ट करती है खेतों को देखकर, गांव वाले लोगों को देखकर, क्योंकि गांव के लोग बड़े ही सीधे और स्वीट होते हैं, बेचारे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लोर कराने वाली हूँ। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। और मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ गांव के लोगों से जो खेतों पर काम करते हैं, कुछ फीमेल्स हैं उनसे भी मुलाकात कराने वाली हूँ। तो ये रास्ता है फरीदाबाद से कुरेशीपुर गांव का, बीच में आपको इस तरह से खेत नज़र आएंगे। तो देखिए इन खेतों में गेहूं की खेती हो रही है, अभी 50% ड्राई हो चुके हैं और रास्ते में आपको इस तरह से घोड़े देखने को नज़र आ जाएंगे चलते चलते। और ये देखिए गांव का बाजार है। और अब हम पहुंच चुके हैं खेत पर, तो चलिए मैं आपको ये पूरा खेत घुमाऊंगी यहाँ पर किस किस की खेती हुई है। चलिए खेत के अंदर चलते हैं, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ सी जगह बनी हुई है। कैमरा ही लेगा गाइस, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। तो देखिए गोल वाले बैंगन, ये आपको गोल वाले नजर आ जाएंगे, ये देखिए छोटा सा गोल गोल, ये गोल गोल बैंगन आते हुए बहुत ही खूबसूरत। ये पूरी बैंगन की खेती है, दूर तक देखिए गाइस, देख सकते हैं ये बैंगन का पौधा है। और इसमें देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ये लटके हुए हैं, कलरफुल लंबे वाले बैंगन, ये दूर तक बैंगन की ही खेती है। जूम करके दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये प्लांट इसके नीचे इस तरह से लटके हुए और ऊपर से आप देखेंगे तो बैंगन का प्लांट ऐसा होता है। और ये आगे गोल वाले दिखाओ दिखाओ दिखाओ, दिखा नहीं अभी। ये देखिए गाइस कितना बड़ा बड़ा बैंगन है इसमें, सारे वो ये सारे बड़े बड़े बैंगन, ये सारी बैंगन की खेती है। और देख सकते हैं ये है टमाटर के पेड़ और इसमें टमाटर लगे हुए हैं, ये देखिए ये पहले फूल आते हैं इस तरह से, फिर उसके बाद उनमें ये टमाटर बन जाते हैं फूलों के, आप देखेंगे ये गुच्छे, ये अभी कच्चे हैं, ये देखिए किस तरह देसी टमाटरों के पेड़ दूर तक नजर थोड़ा, ये सारे ओ माय गॉड, वहां पे तो गेंदे की खेती है, ये आओ धनिया दिखाओ, और ये आगे देखते हैं क्या है, धनिया बोया हुआ है इन्होंने यहाँ पर, धनिया की खेती है। आप देख सकते हैं धनिया की खेती किस तरह से होती है, ये गुच्छों के साथ छोटे छोटे फूल आ रहे हैं और फूल सूखने के बाद ये गुच्छों में गोल गोल धनिया नजर आ रहा है, कोरिएंडर की खेती है ये गाइस, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। दूर तक आप देखिए बहुत बड़े स्पेस में बोया हुआ है इन्होंने धनिया, और ये फिर से बैंगन आ गए। और आगे चल के देखते हैं और क्या है यहाँ पर, हाँ तो गाइस देख सकते हैं ये है बंद गोभी, और आप देखेंगे कितना खूबसूरत लोटस फ्लावर की तरह लग रहा है, ये रोज फ्लावर की तरह, लोटस नहीं रोज फ्लावर की तरह, देखिए ये इसके बीच में बंद गोभी बन रही है, ये
और जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी ये और बड़ा होता चला जाएगा। और आप देख सकते हैं एक चीज आपने नोट करी, ये जो साइडों पे लगाया हुआ है ये पूरा बंद गोभी, यहाँ से लेके ये इस तरह से लाइनिंग की हुई है, उस तरह से लाइनिंग की हुई है, ये इस तरह से लाइनिंग की है। और अगर हम इस तरफ घूमें तो आप देख सकते हैं ये पूरी लाइनिंग इन्होंने बाउंड्री पे बंद गोभी की बनाई हुई है। उसका रीजन ये है कि साइडों पे लगाने से इनमें वॉर्म की प्रॉब्लम नहीं होती है, सेफ रहती हैं ये बिल्कुल, क्योंकि अगर इसमें वॉर्म आ गए तो ये बेकार हो जाती है, पकाने के लायक नहीं रहती। सारी वहां तक तो मैं नहीं जा पाऊंगी, वहां के फूल की तू बना के लेके आएगा। और यहाँ पे ना बीच में मैं खड़ी हूँ, और भी है गोभी भी है फूल वाली, चलो वो मुझे ऐसा गई, देख सकते हैं ये कोयल है और नीचे उड़ उड़ के पता नहीं क्या खेतों में से खा रही है। ये देखिए बटरफ्लाई हंट कर रही है गाइस, देख सकते हैं ये फूल गोभी का प्लांट है, इस तरह से फूल गोभी लगती है। ये देखिए इसमें छोटा सा फूल आ रहा है, ये देखिए इतना बड़ा है ये। और यहाँ पर भी इन्होंने साइडों पे पूरी काट ली है गोभी, जो छोटा पीस रह गया है वो है अभी बस। तो चलिए ये मैं आपको दिखाती हूँ, एक ये देखिए, और ये पूरी आप लोग अच्छा क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये गोभी वगैरह काट रहे हैं, नलाई कर रहे हैं, नलाई होती है। अच्छा ये जो कर रहे हैं आप, ये सब नलाई है। ओके तो ये सब आपके खेत हैं, आपने उगाई पे हाथ बटाई पे जो लेते हैं वो साल को। अच्छा एक साल का वो ले लिया आपने कॉन्ट्रैक्ट। और ये फूलों की जो खेती हो रही है ये सारी, ये किसी और की है, आपकी है, आप ही की है, मालाएं बनती तो हाँ ये बिकते हैं फूल। हाँ हाथ बटाई, अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप लोग रहते कहाँ है, झुग्गी में, ये जो घर बने हुए सामने, तो गाइस वो देख सकते हैं ये लोग यहीं पे रहते हैं, खेतों में ही घर बना बना के रहते हैं। वो देख रहे हैं ना आप, वो दूर दूर तक नजर आ रहा है, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये तिरपाल पड़े हैं जो ये, हाँ ये ब्लू वाले ना, नीले रंग का, तिरपाल काले रंग का, हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ। कहाँ चाहिए, मैं यहीं से, कहाँ से हम लोग, मैं तो दिल्ली से रहती हूँ, मैं तो यहीं रहता हूँ, ये यहीं पे रहते हैं। तो देखिये ये है विलेज लाइफ, मैं आपको बड़े नजदीक से विलेज लाइफ दिखा रही हूँ। तो ये भैया हैं देखिए, ये इस तरह से इतनी हार्ड वर्किंग करते हैं, खेतों पे इतनी मेहनत करके सब्जियां उगाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। ये आंटी हैं, ये भी आप भी करती हैं, सब्जी लेने आई हैं। अच्छा आप सब्जी लेने आई हैं, ओके तो आप यहाँ पे काम करते हैं आप भी, ओके आप भी इनके साथ करती हैं ना, हम तो वही मजदूरी कर रहे हैं। हाँ मजदूरी तो काम तो काम है ना, हम रोजी करते हैं, हाँ रोजी के लिए। टमाटर तो कच्चे कच्चे हैं अभी, कच्चे लेने, कच्चे टमाटर का क्या करोगी, लाल हो जाएंगे, अरे उसमें बनाएंगे बैंगन, बैंगन में कच्चे तो कड़वे नहीं बनेंगे, अच्छे लगेंगे, अच्छे लगते हैं क्या, ओके हम तो लाल लाल ही डालते हैं, मैं लाल भी डालूं, लाल से बैंगन अच्छे नहीं बनते हैं। हाँ आपके से हरे डाल के बना के देखेंगे। तो ये देखिए डॉगी भी घूमने आया है, सब्जी लेने आया है लगता है, लेबर आए हाँ, लेबर आए, लेबर का बच्चा है अभी, पूरा बड़ा नहीं हुआ है। तो चलिए मैं दिखाऊं आपको, ये यहाँ पर देखेंगे आप गेंदे के फूलों की भी बहुत वैरायटियां हैं, आपको नजर आ जाएंगी। यूट्यूब चैनल है मेरा, उसमें डालूंगी। तो देखिए आप सब लोग भी आएंगे YouTube चैनल पे, ये देखिए कितनी खूबसूरत, दूर तक अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो लाइए दिखाइए, आपको दिखा रही है फूल, दिखा रही है फूल, दिखा भैया, ये सारे फूल हैं, दूर तक तो आप खुद देख लीजिए। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंजर है, चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली, फूल ही फूल नजर आ रहे हैं अभी। ये देखिए
आपको भी ले लिया मैंने, आप भी आएंगे दिल्ली से, सबको ले लिया मैंने। चाय बनवाओ, ठंडा पकवाओ। नहीं नहीं भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस मुझे ये देखना था क्योंकि हम लोगों ने गांव की लाइफ नहीं देखी है तो पता नहीं होता है, तो इसलिए मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि गांव की लाइफ कैसी होती है, लोग कितनी मेहनत करते हैं और कितनी सादगी के साथ जिंदगी गुजारते हैं। थोड़ा सा तो गाइस देख सकते हैं, ये है फूल गोभी का प्लांट और इसके अंदर फूल गोभी आ रही है। ये इस तरह से फूल गोभी आती है पेड़ों के अंदर, दुल्हन सी बनी हुई नजर आ जाएंगे आपको। और ये पूरा आप देख सकते हैं दूर तक गोभी ही गोभी है। ये देखिए, देखा अभी शाम का टाइम हो गया है, बस सूरज छुपने ही वाला है, रोशनी काफी कम हो चुकी है। ये देखिए आसमान पे मोरों के बोलने की आवाज आ रही है। उधर वो भिंडी, भिंडी के तो रहने दो, अभी उसमें पौधे ही नजर आएंगे। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सारा सामने पूरा बैंगन का ही खेत है, दूर तक आपको नजर आएगा। पूरे वो साइड पे भी आप देखेंगे बैंगन है, यहाँ पे भी आपको ये बैंगन के प्लांट नजर आ रहा है। ये देखिए इधर भी ये लटका हुआ बैंगन, छोटा सा बैंगन, हर प्लांट में आपको बैंगन नजर आ जाएगा। तो गाइस बहुत ही अच्छा सा मंजर है, बहुत ही खूबसूरत, मजा आ गया। मैंने तो पहली बार गांव देखा है और इस तरह से खेती होते हुए देखा है, तो बहुत ही अच्छा व्यू है। ये देखिए कितने मोटे मोटे बैंगन, और दिखाऊं और देख सकते हैं ये बैंगन, ये इस तरह से लगे हुए हैं। ये देखिए चारों तरफ मोटे मोटे गोल गोल। चलिए सामने पूरा बैंगन का ही खेत है, दूर तक आपको नजर आएगा। पूरे वो साइड पे भी आप देखेंगे बैंगन है, यहाँ पे भी आपको ये बैंगन के प्लांट नजर आ रहा है। ये देखिए इधर भी ये लटका हुआ बैंगन, छोटा सा बैंगन, हर प्लांट में आपको बैंगन नजर आ जाएगा। तो गाइस बहुत ही अच्छा सा मंजर है, बहुत ही खूबसूरत, मजा आ गया। मैंने तो पहली बार गांव देखा है और इस तरह से खेती होते हुए देखा है, तो बहुत ही अच्छा व्यू है। ये देखिए कितने मोटे मोटे बैंगन। तो चलिए अब चलते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको गांव में किस तरह से घर बना के रह रहे हैं। आजकल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, वो पहले वाले टाइम जैसे घर बनाकर झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रहते हैं, लोगों का अभी लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। तो गाइज आप देख सकते हैं आजकल काफ़ी एडवांस हो चुका है लाइफ स्टाइल। आप पहले देखते थे गांव की लाइफ किस तरह से होती थी, बट ये भी देखिए कुरैशीपुर गांव का ही एक घर है, आप देख सकते हैं लाइफ स्टाइल कितना चेंज हो चुका है। ये इस तरह से जानवर पाले होते हैं घर में। ये इसका मुंह दिखाओ, दिखाओ तो ही देखा आपने, ये बकरी है, है? क्या नहीं हो रहा है फोटो देख सकते हैं ये किस तरह से चढ़ी हुई है छत पर बकरियां। और मैं दिखाती हूँ बकरी का दूध कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बकरी का दूध निकाल रहे हैं, पूरे एक गिलास भर के दूध निकल चुका है बकरी का। तो देखिए गाइस घर में बकरी पालने के फायदे,
आपको दूध भी मिलेगा। ये थी गांव की लाइफ जो मैंने आपको दिखाई है। तो गाइस अब मैं अपना व्लॉग यहीं पे बंद करूंगी, फिर मिलूंगी एक नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत ख्याल रखें आप लोग अपना।